ओके चलिए खैर आज फ्राइडे है तो थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं इस yes. टीम की विक्ट्री पर uh -huh. और क्योंकि मार्केट की बात तो हम हमेशा करते ही रहते हैं और uh -huh. करते ही रहेंगे और कल बाकी में वो जो मोमेंट्स uh -huh. थे जैसे मैं कह रहा था कि काश जाके देख पाता वो नहीं कर पाए लेकिन टी पर देखा वेब पर देख रहे थे यूट्यूब पर तीन तीन चार चार अलग अलग स्क्रीन में yeah. तो कोशिश कर रहा था कि कहीं से कुछ और एंगल देखने को मिले ये बच्चे वापस प्ले करते हैं यार वो सब फुटेज वगैरह और कल ना एक बहुत अच्छी चीज़ आ, yeah. तो मैं देख रहा था आ, कल एक आयुष्मान खुराना का एक इंस्टाग्राम पे रील थी वो भी काफ़ी वायरल हो रही थी okay. वैसे वो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी वो काफ़ी अच्छी कविता के उसमें कह रहे थे वो कि कल के इससे ना एक चीज़ और भी क्लियर हुई आई थिंक जब वो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड कप के फाइनल में जब हम hmm. हारे थे तो थोड़ा सा बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था आई थिंक शायद थोड़ा क्रिटिसज बनता भी है लेकिन फैक्ट यह है कि अगर आप कल टीम के साथ थे तो लेकिन आपको टीम के साथ तब भी होना चाहिए जब वो कोई फाइनल हारते हैं तो ठीक है ना क्योंकि कोशिश तो पूरी करते हैं और कई बार सफल होती है कई बार सफल नहीं होती है वो फुटेज नहीं है क्या जो वानखेड़े के अंदर की फुटेज है जिसमें पूरा वर्ल्ड कप उठा उठाया जा रहा है और पूरी फैंस को ग्रीट किया जा रहा है आई थिंक मैं उस फुटेज की भी पूरा उन्होंने राउंड भी लिया था पूरा राउंड लिया था उन्होंने उसकी मैं बात कर रहा था खैर वो है नहीं यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट की बात करते हैं अब मार्केट में क्या करना है इस पर आते हैं और इस समय मार्केट में छोड़ दीजिए इसको हटा दीजिए मार्केट में आते हैं अब 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 तक स्ट्रैटी क्या रही है हमारी अब तक एक ही स्ट्रैटी रही है कि बेसिकली अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर अपनी पोजीशन में बने रहें ये एक स्ट्रैटेजी है जिसने अब तक शानदार काम करा है और अभी भी वही स्ट्रैटी है कि लॉन्ग में बने रहें जो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है वो ये कह रहा है कि हम उस कल के लोगों के काफ़ी करीब खुलेंगे लग गया स्टॉप लॉस तो लग गया आज के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए चौबीस दो सौ इक्यासी का है क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो भी गया आपका तब भी निफ्टी करीब 800 से आपको आ, 900 पॉइंट का प, आ, आपको फिर भी एक मुनाफा कमा कर देगा एक बहुत क्लियर है यहाँ पर अच्छा वो जो टेबल कल दिखाई थी एक बार फिर वापस वो टेबल देख लेते हैं वो एक्सप्लेन कर रही है आपको तेईस तीन सौ पचास से हमने शुरुआत की थी तेईस पाँच सौ बासठ तेईस छः सौ सत्तर तेईस आठ सौ पाँच तेईस नौ सौ पचासी मैं बार बार इस टेबल को क्यों रिविजिट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेंड यही रहा है मार्केट का चौबीस दो सौ सात और कल चौबीस दो सौ इक्यासी कल भी लॉन्ग पोजिशन कैरी करने की एडवाइस थी विद हेज क्योंकि इवेंचुअली कल का लो परसों के लो से हायर था अब चौबीस दो सौ इक्यासी का अगर नीचे आप खुल गए तो खुल गए उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर वो आपका स्टॉप लग जाएगा फिर भी आपका आठ सौ नौ सौ पॉइंट यहाँ पर बने रहेंगे नई पोजिशनल एंट्री कहाँ करनी है पोजिशनल इंट्राडे की स्ट्रेटजी सैटेजी जब मैं आऊंगा बाद में आऊँगा नई पोजिशनल एंट्री के लिए आशीष आपको वेट करना होगा तेईस आठ सौ का हुँ. अब अगर तेईस आठ सौ नहीं आया पोजिशनली नई एंट्री नहीं है यहाँ पर क्योंकि मार्केट बहुत अग्रेसिवली चल चुका है और एफ आई आर का लॉन्ग एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है पिछले फ्राइडे को भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी अगर आपको याद होगा तो और आज भी फ्राइडे है हो सकता है आज भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ईजी ट्रेड जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी है मार्केट में अब यहाँ से आपको फोकस करना होगा इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और एक और चीज़ क्वार्टरली अपडेट और जो नंबर्स आएंगे वो अगला बड़ा ट्रिगर और सबसे बड़ा ट्रिगर होगा यूनियन बजट वो क्लियरली आपके लिए आगे यहाँ से अगले पंद्रह बीस दिन में काफ़ी ट्रिगर्स लाइन अप हैं एक आखिरी चीज़ आईटी इंडेक्स रखिए एक बार ज़रा दो दिन से हमारी ये बात हो रही है कि आईटी पर फोकस करें कंपेयर टू बैंक निफ्टी क्योंकि आईटी में एक क्लियर कट एक मुझे मोमेंटम नजर में आ रहा है और कल भी देखिए आप किस तरीके से इन्फोसिस भागा और उसने किस तरीके से बाकी सेक्टर को लीड किया अब यहाँ पर बस एक चीज़ हो रही है ये सेक्टर कुछ अपने आप में कुछ कह रहा है बहुत कुछ प्राइस इन ये कर चुका है अगर फाइनल नंबर्स और गाइडेंस उस हिसाब से नहीं आई तो डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप भी रहेगा क्योंकि एक महीने में इन्फोसिस चौदह परसेंट भाग चुका मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब हुआ था जब रिजल्ट से पहले इन्फोसिस और निफ्टी आईटी टी एक महीने में इस तरीके से भागा हो मतलब इस तरीके के मूव्स नॉर्मली या तो मार्केट कुछ वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहा है अगर वो आ गया वाकई में तो कितना बचता है स्पेस और अगर वो नहीं आया तो क्या होगा ये थोड़ा सा एक शायद रिस्पेक्टर ओपन होगा लेकिन उसकी हम बात करेंगे अगले हफ्ते जब उन नंबर्स की बात करेंगे बिल्कुल ठीक क्या वाकई सॉलिड मूव आते हुए खैर ये है बाजार की चाल पे अपफ्रंट कमेंट हमारे वो पिछले दिन के लोस के एसे बढ़िया तरीके से हम राइड करते हुए अब तक बाजार ने इलेक्शन डे के बाद से बढ़िया कमाई दी है उस स्ट्रेटजी के थ्रू डे ऑन डे बाजार के हर गेंद को हमने ब्यूटिफुली कैप्चर कर रखा है आज स्पेसिफिक अप्रोच पे आगे आता हूं पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ शुरू कर रहा हूं तीस चालीस पॉइंट के हल्के दबाव के साथ कह लीजिए सुस्त शुरुआत के गांधीनगर से अपडेट आते दरअसल एशिया की स्क्रीन पर आएगा ऐसे ही मिला जुला कामकाज एशिया में हो रहा है कुछ मार्केट्स लाल में कुछ हरे में झूलते हुए और ये कंफ्यूजन का स्टेट इसीलिए क्योंकि डेढ़ दिन से यूएस कामकाज कर नहीं रहा है कल इंडिपेंडेंस डे के चलते छुट्टी थी और परसों हाफ डे था तो डेढ़ दिन हो चुके आज शाम को यूएस में सेशन रिज्यूम और उस सेशन के रिजम्शन से पहले जो अपडेट्स आ रहे हैं वहाँ के फ्यूचर्स के थ्रू वो कहते हैं कि आज शाम को एकदम ठंडी शुरुआत होगी मेरे ख्याल से तो जैसे एक दिन प्रोग्रेस करेगा तब फ्यूचर्स हरकत में आएंगे अभी तो शायद एकदम ही ठंडा है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के आसपास के इंडिकेशन देता हुआ ऐसे में हैंड है कैसा ग्लोब के क्या क्या संकेत इम्पॉर्टेंट हैं आज सुबह एक ट आपकी सेकेंड प्लेट भी रखिएगा उसमें आप क्रूड नजर आएगा चढ़ते ही चले जा रहा है तो ये सब क्या हो रहा है समझ लिया जाए नीरजे गुड मॉर्निंग हालांकि यूएस बंद थे लेकिन हैंड अदरवाइज ग्लोबली कैसा है हमारे लिए हैंड अच्छा है अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाए फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड करें यू एस के तो स्टेडी है क्योंकि उनको भी उस जॉब रिपोर्ट का इंतजार है जो बड़ी रिपोर्ट है।, है तो उस रिपोर्ट के थोड़े से अंदाजे जो प्राइवेट जॉब के आते थे उसमें से लग गया था तो वो रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग नहीं आने वाली है शायद जॉब रिपोर्ट थोड़ी सी वीक आएगी जो कि मार्केट को पसंद आएगी फेवरेबल रहेगी तो मार्केट इस बात को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा के चल रहा है कि शायद इस तरह की आएगी तो इसीलिए आपको फ्यूचर्स थोड़ा स्टीडी या हल्के से पॉजिटिव साइड पर दिख रहे हैं दूसरा डेवलपमेंट जो क्रूड की तरफ का है उसमें एक डॉलर के आसपास की उछाल आई है वो इसलिए कि अमेरिका की जो इन्वेंट्री है वो गिरी है लेकिन ये नंबर बहुत फ्रिक्वेंट होता है तो इसलिए उसको ट्रेंड लाइन नहीं मानना चाहिए तो उसकी वजह से क्रूड में थोड़ा सा तेज़ी आ गई है लेकिन सस्टेन करेगा ऐसा कुछ लगता नहीं है तो ये दूसरा फैक्टर था बाकी एशियन मार्केट में जपनीज मार्केट में जो करेंसी उनकी बहुत वीक हो रही है मार्केट बहुत ही स्ट्रॉग है वहाँ पर अभी कोई बड़ा एक्शन हुआ नहीं तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है हाँ यूके में इलेक्शन के रिजल्ट लगभग आ चुके हैं और लेबर पार्टी मैसिव विक्ट्री के साथ जीत रही है वहाँ पे तो सोनक जी की पार्टी हार गई बुरी तरीके से तो देखते शायद यूरोपियन मार्केट में आज खुलेंगे शाम को दोपहर में तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन थोड़ा बहुत असर होगा चूँकि बहुत सारे देशों में चुनाव हो रहा है यू में फ्रांस में इन सब चीज़ों में तो देखते कैसे रिहाइ करता लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज़ बेहतर है बढ़िया है ग्लोबल क्यूज़ आज शाम को वाकई इंपॉर्टेंट सेशन होगा जब डेढ़ दिन बाद सेशन की शुरुआत होगी उसके साथ साथ यूएस में ऑल इंपॉर्टेंट जोन की डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट सामने आएगी प्लस वहां पे यूएस फेडरल मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट कांग्रेस के सामने टेबल भी होगी तो क्या अर्थव्यवस्था के हाल है किस तरह के प्रोस्पेक्ट है और मॉनिटरी पॉलिसी का कंडक्ट कैसा रहेगा यह सब लेखा झोंका वहां पे पार्लियामेंट को सबमिट भी करना है तो ये सब चीजें होंगी आज शाम को आ रही होंगी अपन मंडे को सब डिकोड कर लेंगे वो मंडे की तैयारी है लेकिन ये सब अवेटेड है अब ऐसे में पहले सेटअप समझा जाए जा। उसके बाद निफ्टी निफ्टी बैंक की बातचीत करी जाए फ्राइडे का दिन कैसा लग रहा है सेटअप सेटअप ठीक है सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है बस एक वो एच डी एफ सी बैंक का ही प्रॉब्लम है अदरवाइज सेटअप जो हम देखना चाहते हैं नॉर्मली वो ऑलमोस्ट वही है एफ आई <coughs> एस ने कल बाय किया दो हज़ार पाँच सौ छिहत्तर करोड़ और ये डिस्पाइट कल मुझे लग रहा है कि जिससे बैंक में थोड़ी सेलिंग आई होगी उसके बावजूद और डी आई एस अब ऑब्वियस डी आई एस को बाय करने की जरूरत नहीं है ट्वेंटी थ्री सेवेंटी फाइव करोर अच्छा एक और चीज़ हमारी डिस्कस हुई थी आशीष की अगर एफ आई आई के कैश इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर तीनों में बाइंग हो तो नॉर्मली हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है कल वो प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो भी सरप्राइजिंग नहीं थी इंडेक्स फ्यूचर्स में आज नौ सौ करोड़ की बाइंग है लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 1500 करोड़ की सेलिंग है ये ठीक ठाक चीज़ है कि एक अक्रॉस द बोर्ड बाइंग नहीं है और इवन विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में अक्रॉस मतलब सिमिलर बाइंग थी तीन करोड़ बैंक निफ्टी में पाँच करोड़ निफ्टी में अब दिक्कत क्या आ रही है ट्रेंड देखिए एफ आई का इंडेक्स फ्यूचर्स का अब इस लेवल की बाइंग के बाद मार्केट में कुछ बचता नहीं है दैट्स माई बिगेस्ट प्रॉब्लम एफ का लॉन्ग शॉट देखिए कल भी पंद्रह हज़ार तीन सौ लॉन्ग ऐड हो गए मतलब रोज़ लॉन्ग ऐड हो रहे हैं अब आप हंड्रेड परसेंट तो ज़्यादा नहीं जा सकते ना मतलब मैक्सिमम आपका हंड्रेड परसेंट लॉन्ग हो सकता है उससे ज़्यादा लॉन्ग तो हो नहीं सकता पंद्रह हज़ार का लॉन्ग जुड़ गए ठीक है थोड़े से शॉर्ट भी जुड़े लेकिन आप ट्रेंड देखिए अब हम एट्टी फोर परसेंट लॉन्ग पोजिशनिंग पर आ गए एट्टी फोर परसेंट लॉन्ग लेकिन फिर भी मार्केट चल रहा है और एक्सपायरी के दिन से ये पोजिशनिंग है उसके बाद भी मार्केट चल रहा है अट्ठाईस जून को हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी तब एट्टी टू पॉइंट फाइव पर थे अब एट्टी फोर पर है लेकिन फिर भी मार्केट चल रहा है वो चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर देखिए वो ऑलमोस्ट स्क्रीन से बाहर निकलने को तैयार है दिक्कत क्या है इस इस मार्केट में कहीं से भी खराब न्यूज जैसे एच डी एफ बैंक की न्यूज आ गई चलो कुछ हद तक मार्केट प्रिपेयर था इस चीज के लिए बाई चांस ऐसी न्यूज़ आ जाए जैसे मार्केट प्रिपेयर ना हो और एक बड़ा गैप डाउन हो जाए तो तो उस चीज़ के लिए मार्केट प्रिपेयर नहीं है बेसिकली ये इस सेटअप का बस एकमात्र दिक्कत ये है अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है पुटकोल देशों भी ठीक ठाक है इंडिया विक्स भी ठीक ठाक है दोनों के दोनों इंडेक्स मतलब रिलेटिव लेवल पर ठीक ठाक है कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है एफ़ एन ओ बैंक के जहाँ तक बात है कल तीन स्टॉक ऐड हो गए कल हम बात भी कर रहे थे क्लोजिंग में ए बी एफ आर एल बंधन बैंक और पिरामल ऐड होंगे और तीन स्टॉक ऑलरेडी बने हुए हैं तो ठीक है सेटअप में सेटअप में सब कुछ ठीक है दिक्कत बस एक है मार्केट ओवरबॉट है और मार्केट ओवरबॉट अगर ट्रेंडिंग अपवर्ड हो तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है बस ये है कि ये मार्केट किसी ख़राब न्यूज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है वो ख़राब न्यूज़ कहाँ से आएगी आएगी भी नहीं आएगी ये नहीं पता हमको लेकिन कभी भी

निफ्टी कल का आपकी स्क्रीनस पर आएगा शुरुआती ट्रेड में बढ़िया 24400 के टिक्स देखे थे हमने उसके बाद पस पड़ गया शुरुआती ट्रेड में ऐसा हुआ उसके बाद पूरे दिन लाजरी साइडवेज मोड में था पर जो डिफाइंड मार्कर्स थे चाहे वो हमारा r1 हो या b1 हो रेजिस्टेंस या बेस हो उसी के इर्द-गिर्द ही कल पूरा का पूरा, पूरा बैंड प्ले आउट होता हुआ नजर आया था ये ऊपर से ठंडा पड़ना कैसे रीड करूं आज सुबह भी जानने की कोशिश कर रहा था कि एग्जॉशन के साइंस तो नहीं है आ, या चौबीस चार सौ एक सरदर्द है उसे अड़चन है इस समय ऐसा मूड नहीं दिख रहा कि उसको पार कर आज आग्लिश बैंक सपोर्टिव भी नहीं होगा मुझे लग रहा है आज स्टॉप लॉस लग जाएगा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम लेके आए ना हमारा अब आज तो लगा ही नहीं परसों वाला चल रहा है अभी तो हाँ बट अब कल वाला हो जाएगा ना अब हो जाएगा ना लग जाएगा तो वो लग रहा है मुझे कि आज शायद लग जाएगा आज पहला सपोर्ट वही है वैसे चौबीस दो सौ इक्यासी का उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका चौबीस एक सौ पंद्रह पर सीधा उसके बाद सीधा चौबीस एक सौ पंद्रह पर सपोर्ट है अच्छा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही तो इशू है कि आ, उसके बाद सीधा आप नेक्स्ट लेवल चौबीस एक सौ पंद्रह तो अगर आपने चौबीस दो सौ इक्यासी पर सपोज करिए कि आपने बोला नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगा स्टॉक फिर भी क्योंकि मेरा ट्रेंड बहुत अच्छा रहा ठीक है मत लगाइए लेकिन उसके बाद अगला स्टॉप सीधा चौबीस एक सौ पंद्रह पर है तो वो आपके अगर वो वो भी लग गया तो आपके प्रॉफिट्स और एक सौ साठ पॉइंट ले जाएगा ये दिक्कत हो जाती है रजिस्टेंस कहाँ पर है पहले रजिस्टेंस ऑबियसली चौबीस चार सौ एक कल का हाई और कल ही हमारी बात भी हुई थी कि अगर रिजेक्शन मिले तो सेल रेट भी होगी स्ट्रिक्टली इंटर के लिए और बड़ी रजिस्टेंस चौबीस पाँच सौ ऑप्शन के हिसाब से पोजिशनली अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर ले आए हैं चौबीस दो सौ इक्यासी पर और अगर आप डे ट्रेडर हैं पोजिशनली तो मैंने बोल दिया कि तेईस आठ से पहले बाई नहीं है अगर आप डे ट्रेडर हैं तो चौबीस एक से चौबीस दो का जोन है एक फ्रेश लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करने का और एक स्टॉप लॉस लगाना होगा इन दैट केस चौबीस एक सौ पंद्रह जो ऑप्शन का बेस है आपका ये जोन अगर मिल जाए आपको किसी भी कारण से चौबीस एक सौ पचास से चौबीस दो सौ तो आपके लिए बाय है अगर चौबीस दो सौ इक्यासी टूटा तो शॉर्ट के मौके भी मिलेंगे लेकिन उसमें शॉर्ट कैसे करना है उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको ये नहीं है कि चौबीस दो सौ इक्यासी टूटा और आपने शॉर्ट कर दिया चौबीस दो सौ इक्यासी अगर टूट गया तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मार्केट में लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आएंगे इन दैट केस आप वेट करें एक जोन का चौबीस तीन सौ से चौबीस तीन सौ पचास का चौबीस तीन सौ से चौबीस तीन सौ पचास के जोन में एक, एक सेल करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें चौबीस चार सौ एक का आई थिंक वो बहुत जल्दी वो लाइन हटा दी थी उस पर वापस आता हूँ मैं एक बार जो डे ट्रेडर्स के लिए जो बाय जोन था वो चौबीस एक सौ पचास से चौबीस दो सौ का था और उसमें एक स्टॉप लॉस जो था वो चौबीस एक सौ पंद्रह का था ये है निफ्टी का आज का अप्रोच लाइए भाई निफ्टी बैंक भी स्क्रीन पे एच डी एफ सी बैंक के उस वैसे आमतौर पर सुबह आता था कल शाम को आया जो शाम को आया क्वार्टर अपडेट उस पर रिएक्ट करना है आपने अप फ्रंट एक्सप्लेन करा कैसा है अब सबको अच्छा नहीं लग रहा वो अपडेट और ये हो सकता है सिस्टम है सिस्टम में ऐसे ही होने वाला है तो ये रब ऑफ बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पे तो नहीं पड़ने वाला आज कैसे रीड करूं उस डेप क्योंकि उसी के थ्रू अब निफ्टी बैंक की चाल समझने की जरूरत होगी देखिए बैंक निफ्टी पर इंडेक्स लेवल में कोई ट्रेड नहीं है और ये इंडेक्स लेवल में कोई ट्रेड नहीं है ये बात हम लगातार कह रहे हैं बैंक निफ़्टी में कि बैंकों को इंडिविजुअली ट्रेड करें हर बैंक अलग है और हर बैंक के आज भी फॉर एग्जांपल अलग अलग क्वार्टरली अपडेट्स हैं उनको उसी हिसाब से ट्रेड करें कल का लो और कल का हाई एक रेंज है बावन से बावन बेसिकली इस रेंज में अब देखते हैं हम दोनों साइड में से किसी साइड को तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं इंडेक्स में बैंक निफ्टी में बहुत वॉलीटिलिटी रहने की एक्सपेक्टेशन है इसके लिए इंडेक्स से थोड़ा सा दूर रहें और तीन दिन से तीन दिन से एक व्यू मैंने ये लिया हुआ है कि बैंक निफ्टी से दूर रहें तीन दिन से एक व्यू लिया है कि बैंक निफ्टी से दूर रहें व्यू जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव अगर आपको लॉन्ग करना भी था वो निफ्टी पर था इंक्लूडिंग वो जो उस दिन एच बैंक वाला अपडेट आया था उस दिन भी मेरा व्यू यही था कि नहीं फिर भी आप हायर लेवल पर बैंक निफ्टी को मत चेज करें निफ्टी में रहें क्योंकि निफ्टी में बाकी सेक्टोरल कंपोनेंट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं इसके लिए अभी भी मैं ये कहूँगा कि फोकस जो है वो निफ्टी पर करें बजाय कि निफ्टी बैंक कि निफ्टी बैंक में इंडेक्स लेवल पर कोई ट्रेड है नहीं प्रॉब्लम क्या है निफ्टी बैंक में पाँच सौ पाँच पॉइंट के आपको स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे वो आशीष कोई नहीं लगा पाएगा hmm. क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है और अगर वो मतलब उसमें आपका सिंगल लॉट पर भी बड़ा लॉस होता है इसके लिए ट्रू हो गया भाई निफ्टी निफ्टी बैंक की चर्चा पैनल रेडी हो रहा है उनके पास जाने का समय आ रहा है पर पहले आज के दिन फ्राइडे के टॉप स्टॉक्स बिग स्टॉक्स